प्रॉपर्टीज, वो क्या क्या डिस्कस की हमने कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड कर्व होती हैं। यहाँ पे देखो ये क्लोज्ड कर्व बना रही हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट के अंदर भी ये कंटिन्यू करती हैं। और चौथी प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी थी कि पोल्स के पास अगर मैं बात करूं तो ये काफी पास पास रहती हैं, और अगर मैं पोल से दूर ले जाता हूं तो ये काफी दूर दूर स्पेस हो जाता है इनमें। तो इस रीजन से, क्योंकि ये पोल्स के पास काफी नजदीक रहती हैं, एक दूसरे से चिपकी सी रहती हैं, तो फील्ड पोल्स के पास ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में एकदम बिठा लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अगर मान लो कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं, सपोज ये मेरा बार मैग्नेट है, इधर मान लो मेरा नॉर्थ पोल है और इधर मान लो मेरा साउथ पोल है। अब अगर मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ये बनाई, ठीक है, पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो मैं कुछ और बना रहा हूं, मान लो ये मैंने बनाई, और मान लो ऐसे जाके ना ये ऐसे यहां पे इंटरसेक्ट करके मैंने ऐसे करा दिया, तो यहां पे ये देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो अगर वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं अगर दोनों फील्ड लाइंस के लिए एक एक टेंजेंट खींचता हूं तो वो मुझे उनकी डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूं, तो अगर पहला टेंजेंट मैंने बनाया यहां पे देखो, तो मुझे एक, अगर मैं ब्लू वाली मैं कर्व लाइन पे बना रहा हूं तो वो मुझे ये डायरेक्शन देगा, या तुम लोग को डायरेक्शन दिख रही होगी, सॉरी मैंने उल्टे डायरेक्शन में बना दिया, मुझे ऐसे डायरेक्शन बनाना चाहिए था, ये रहा। तो ब्लू वाली पे अगर मैं बनाऊं तो मुझे ऐसे डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिलेगी इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं व्हाइट वाली पे बनाऊं टेंजेंट, व्हाइट वाली पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा डायरेक्शन आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, मतलब डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक ये ऑरेंज वाली और एक ये पिंक वाली, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, ठीक है ना, सॉरी दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आएंगे, एक पिंक वाला डायरेक्शन और एक ऑरेंज वाला डायरेक्शन। तो अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ समझो, मैं यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल लगाता हूं तो वो नीडल कहां कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, वो तो कोई डायरेक्शन में पॉइंट ही नहीं कर पाएगी मैग्नेटिक नीडल, समझ आ रही है बात। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल लगा रहा हूं उसको किसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, तो वो तो देखो एक ये डायरेक्शन में भी पॉइंट कर सकती है, सॉरी एक इस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर सकती है और इस डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है मैग्नेटिक नीडल, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट कर दे। तो इस वजह से कभी भी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो दो अलग अलग डायरेक्शन पे हमें बताने लगेगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दो अलग डायरेक्शन बता देगी। तो ये इसका लॉजिक है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दो अलग अलग डायरेक्शंस बताएंगी, दो डायरेक्शंस जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी तक ना इस चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ना बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे जाएंगे। और सेकंड पार्ट है कौन सा, कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट रहता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे पहली ये स्लाइड है, पहली स्लाइड यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं यही बताती है कि अगर मान लो एक कंडक्टर है, मतलब कि एक वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये डायग्राम देखो, जब तक ना इस तुम्हारे ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल का ना ऐसा कुछ था यहां पे ऐसा, लेकिन जैसे ही यहां पे देखो करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ है तो अब क्या होता है यहां पे, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई, वो कुछ और डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो जब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो उस टाइम पर, तो हम इस समय अभी ये केस की बात करें जो ये वाला केस है हमारा, इस केस में अपनी मैग्नेटिक नीडल नॉर्मल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। ये हम पिछली क्लास में पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि नीडल ज्योग्राफिक नॉर्थ में पॉइंट करती है, उसका नॉर्थ पोल। लेकिन अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, और जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, अब मैं इस डायरेक्शन की, इस सर्किट की बात कर रहा हूं, तो करंट अगर फ्लो करेगा तो इसके आजू बाजू ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस वजह से ही तुम्हारा फिर ये मैग्नेटिक नीडल ना डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब ये कुछ और डायरेक्शन में बता रही है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड की ही तो डायरेक्शन बताती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब बताएगा, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ वगैरह से इससे कुछ लेन देन नहीं है। तो ये क्या चीज हमें बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्किट से प्रोड्यूस हो रही है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब कि ना मेरा एक लंबा सा वायर है, ये डायरेक्शन देखो, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो कैसे जनरेट होती है ये देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन क्या तुम्हें दिखा रखा है, करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है। ये करंट का डायरेक्शन है। अब मैं इसके आजू बाजू मैग्नेटिक नीडल लगा सकता हूं ढेर सारी अलग अलग पॉइंट्स पर, और इनसे मुझे कुछ कुछ डायरेक्शंस मिलते रहेंगे। ये मुझे डायरेक्शंस मिलते रहेंगे, तो ये क्या चीज बता रहे हैं,
ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये शायद स्कूल में पढ़ा रखा होगा, पहले से मालूम होगा तुम लोग को मोस्ट प्रॉब्ली, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मैं अपना राइट हैंड का थंब ऊपर लगाता हूं उस डायरेक्शन में और फिर अपनी ना फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तो वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो अगर मैं एक लंबा सा कंडक्टर है ना, उसके आजू बाजू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखता हूं, तो वो ऐसा तुम्हारा एक आता है डायरेक्शन, फिर उसके बाद एक और तुम्हारा यहां से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों आएगा, सर्कल तो इसलिए, एक तो क्योंकि क्लोज कर्व होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ना क्लोज कर्व बनाती हैं, और दूसरा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो इनको सर्कल ही होना होगा एक दूसरे के अराउंड, और यहां पे ये क्योंकि मैं फिंगर जब कर्ल करता हूं तो वो सर्कुलर डायरेक्शन बताता है। फिर अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि अगर करंट का डायरेक्शन मैं रिवर्स कर दूं तो जो फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले थंब करंट के डायरेक्शन ऊपर ला रहा था तो देखो फिंगर ऐसे कर लो रही थी, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दूं करंट का तो थंब भी नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तुम्हारा उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे वही दे रखा है राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या रहता है तुम्हारा कि अगर एक करंट है, सॉरी एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पे इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये करंट ऐसे डायरेक्शन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब लगाता हूं और अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तो तुम्हें ये डायरेक्शन दिखाई देगा। तो ये करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे यहां पे देख सकते हो तुम लोग कि एक मेरा लंबा सा वायर है, करंट कैरी कर रहा है, तो उस जो वायर के अराउंड जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितना करंट फ्लो रहा है। उल्टी आ रही है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा मैं, ऑब्वियसली उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये तो एक है। तो अगर मान लो तुम 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हो तो कमजोर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन 5 एम्पियर की जगह मान लो तुमने 100 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया तो पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो जैसे जैसे करंट तुम्हारा ज्यादा तुम डालोगे सर्किट में, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी
वीक हो जाती है। तो ये भी समझना आसान है कि जितना दूर तुम जाते जाओगे कंडक्टर से, वहां पे फील्ड तुम्हारी वीक होगी। अगर तुम मान लो 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, थोड़ी तुम मैग्नेट की फील्ड को महसूस कर सकते हो। तो बेसिक कॉमन सेंस है कि तुम जितना दूर चले जाओगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी वीक हो जाएगी। फिर अगला तुम्हारा दे रखा है कि सपोज मेरा एक सर्कुलर लूप है या कोई कॉइल है, उसमें करंट है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक लूप ऑफ वायर है जो कि एक सर्कल को फॉर्म कर रहा है। तो हम उसके अराउंड सेम अपना तरीका मैग्नेटिक नीडल लगाकर एक एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढूंढ सकते हैं। तो इससे जो तुम्हारी फील्ड लाइंस आती हैं, वो कैसे आती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आती हैं, सेंटर्ड ऑन द पॉइंट थ्रू विच द वायर पासेस। मतलब कि अगर तुम इस पॉइंट को ध्यान से देखो, यहां से हमारा एक वो लूप पास कर रहा है। तो अगर तुम जो डायरेक्शन में यहां पे ना, अगर तुम टेंजेंट सा बना दो और इधर से ना अपना राइट हैंड थंब रूल लगा दो और उसको कर्ल कर दो, तो तुम्हें ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। ये बात समझ आ रही है? तो अगर तुम किसी भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है तो कैसे बताओगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि यहां पे हमने ये पॉइंट पे मुझे बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट पे मैं यहां पे क्या करूंगा कि एक यहां पे टेंजेंट डाल दूंगा और उस टेंजेंट के अक्रॉस अपना थंब लगाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकता हूं। तो वहां पे तुम्हारी फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी इस केस में कैसे बनती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनती हैं, सेंटर्ड ऑन द पॉइंट थ्रू विच द वायर पासेस। और जो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट है एकदम वायर का, उधर से तुम्हारी जो फील्ड लाइंस होंगी ऐसे एकदम स्ट्रेट निकलेंगी। फिर यहाँ पे फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप या कॉइल। तो ये वही चीज दे रखी है जो भी हमने डिस्कस की थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये मैं केस बता रहा हूँ सर्कुलर लूप के लिए, तो मैं जिस भी पॉइंट पे बनाना है उस पॉइंट पर थंब लगाता हूँ, ठीक है? और थंब भी किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो मैं करंट तुम्हारा देखो ऐसे फ्लो करके ऊपर आ रहा है, मैं दिखाता हूं, करंट ऐसे डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो कर रहा है, तो जो तुम थंब बनाओगे वो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है? थंब तुम्हारा ऊपर के डायरेक्शन पॉइंट करेगा। और अब कर्ल करो अपनी फिंगर्स को,
तो ये मेरा, सॉरी थोड़ा कलर ठीक नहीं है, ये डायरेक्शन आ जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसके बाद ये आज लास्ट पढ़ लेते हैं। तो कोई भी अगर मेरा लूप है, क्लोज्ड लूप, उस पे मुझे अगर बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है उधर, तो जब भी मैं क्या करता हूं, कोई भी क्लोज्ड मेरा लूप है उसके जहां पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देखो यहां पे ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे डायरेक्शन में, फिर इधर नीचे ऐसे, फिर तुम्हारा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, तो करंट जैसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जो बाहर की डायरेक्शन में मैं ऐसे कर्ल कर देता हूं सेम डायरेक्शन में, तो जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही होगी। जब भी मैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तो जो थंब डायरेक्शन देगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाता है। तो ये क्लोज लूप के लिए अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो तो इस तरह से हम बताते हैं। चलो यहां से कल पढ़ लेंगे, आज के लिए इतना ही है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, 2 दिन में तुम्हारा मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा।